हेलो फ्रेंड, आज हम MFS टैब को कैसे फॉर्म में अपग्रेड करते हैं और सीखने जा रहे हैं, और RD सर्विस कैसे इंस्टॉल करना है, दोनों चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको मैं अपग्रेड कैसे करना होता है वो बताऊंगा कि MFS टैब को कैसे अपग्रेड करना है उसका फॉर्म में, ठीक है। उसके MFS टैब अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको MFS टैब को जहाँ पे भी इंस्टॉल है वहाँ से निकालना पड़ेगा और उसका इस पीछे से स्क्रू खोलना पड़ेगा। स्क्रू खोल के, चार स्क्रू होंगे, चारों स्क्रू को खोल के उसके बाद पूरा टैबलेट को बाहर निकालना पड़ेगा आपको। बाहर निकालने के बाद टैबलेट को आपको हम लोग ने दो लिंक दिया हुआ है जो आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन है, फॉर्मवेयर है और टूल है। टूल से हमें टैबलेट को अपग्रेड करना है। तो आपको सबसे पहले जो आपको लिंक मिला हुआ है वो लिंक से डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको तीन वहाँ पे दिखेगा, तीन लिंक होगा, तीनों लिंक पे एक एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। एक एक रिस्ट लिंक टूल है, एक है SP फ्लैश टूल है, और E83210 ये फॉर्मवेयर वर्जन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वॉइस लिंक टूल में जाएंगे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा वॉइस लिंक टूल का, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको यस करना है। एक्चुअली वो एरर ऑलरेडी मेरा एप्लीकेशन ओपन था इसके लिए आया था। आपको ये एप्लीकेशन यहाँ से चालू करना है, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर नेम, पासवर्ड और सेव मशीन कोड वगैरह दिखेगा। आपको उस पर किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट नो रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना और ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा कि आप अपने सिस्टम पे ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए। उसको आपको ओके करना है और ड्राइवर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है, इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है और फिर से आपको उस फाइल में जाएंगे और हम दूसरा एप्लीकेशन अब चालू करेंगे, SP फ्लैश टूल। इसके लिए भी हम डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे फ्लैश अंडरस्कोर टूल करके एप्लीकेशन का नाम है, इसको चालू करना है। ये भी चालू है इसलिए दे रहा है कि चालू है, इसलिए मैं पहले इसको बंद करूँगा और फिर से इसको मैं चालू करूँगा, ओके करना है, ठीक है सर। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड में जाना है, डायरेक्ट डाउनलोड में ही जाना है और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे दो फाइल चूज़ करने के लिए रहेगा और यहाँ पे चूज़ फाइल करना है और आपका फॉर्मवेयर कहाँ पे है वहाँ से फॉर्मवेयर को सिलेक्ट करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इस पे मैं ये वाला 83210 वाला फॉर्मवेयर है, इसमें जो फॉर्मवेयर है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे बहुत सारे फाइल दिखेंगे आपको, ग्रीन और वाइट में सारे पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, थ्री ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, फॉर्मवेयर अपग्रेड एंड डाउनलोड ओनली। आपको ओनली यूज करना है फॉर्मवेयर अपग्रेड और कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करना है, ओनली फॉर्मवेयर अपग्रेड। फॉर्मवेयर अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो टैबलेट आपने निकाला हुआ है MFS टैब से, उसको आपको एक केबल के थ्रू लगाना पड़ेगा। एक साइड USB रहेगा, एक साइड माइक्रो USB यानी OTG। उसके साथ आपके कंप्यूटर में इसको लगाना पड़ेगा। लगाएंगे
जैसे ही आप केबल लगाएंगे ऑटोमेटिक वो राइड करना चालू कर देगा, ठीक है, 3% 4% देन वो 100% होगा, ये डाउनलोड हो रहा है यानी आपके राइट हो रहा है, ये येलो कलर में हो रहा है यानी राइट हो रहा है, सिक्सटी एट 69% हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड ओके करके एक पॉपअप आएगा यानी आपका फॉर्मवेयर अपग्रेड 100% हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको टैबलेट को केबल में से निकालना है और टैबलेट को चालू करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम चालू करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 10 मिनट तक उसको चालू होने में लगेगा, फर्स्ट टाइम ही लगेगा, उसके बाद कभी भी इतना टाइम नहीं लगेगा। और सबसे पहले ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसमें कि जब भी आप फॉर्मवेयर अपग्रेड कर रहे हैं तो टैबलेट एकदम स्विच ऑफ होना चाहिए। टैबलेट अगर चालू रहेगा तो आप रजिस्टर नहीं होगा नया फॉर्मवेयर। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि टैबलेट स्विच ऑफ है कि नहीं, स्विच ऑफ होने के बाद ही आपको यूएसबी केबल लगाना है। थैंक यू।